नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2019 का आम बजट पेश करने पहुंची, लेकिन इस बार आपको बजट को बजट कहने से बचना होगा, क्योंकि इस बार बजट का नाम बदल कर वही खाता रख दिया गया है। एक और बड़ा अंतर है वो ये कि इस बार बजट सूटकेस में नहीं बल्कि वही खाता बैग के अंदर है। जी हाँ, निर्मला सीतारमण जो वही खाता पेश करने जा रही हैं वो किसी सूटकेस में नहीं बल्कि एक लाल रंग के कपड़े में बंधा हुआ है। खास बात यह है कि इस पर अशोक की लाट भी बनी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वही खाता पेश करने की शुरुआत एक उर्दू शायरी के साथ की। उन्होंने कहा, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। इसी के साथ उन्होंने चाणक्य नीति का भी जिक्र करते हुए कहा कि चाणक्य नीति कहती है कि कार्य पुरुषा करे ना लक्ष्यम संपद दयाते, जिसका अर्थ है इच्छा शक्ति के साथ किए जाने वाले प्रयासों से अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इंदिरा गांधी के बाद निर्मला सीतारमण दूसरी ऐसी महिला हैं जो देश का बजट पेश करने जा रही हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। बताया जा रहा है कि इस बार का बही खाता पुराने पेश किए गए बजट से कुछ मामलों में काफी अलग होने वाला है। बजट फ्रांसीसी शब्द बोगेटी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है चमड़े का थैला। पहली बार 1860 में ब्रिटेन के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर चीफ विलियम एवर्ड ग्लैडस्टन देश के हिसाब किताब के दस्तावेज को लेकर एक लेदर बैग में पहुंचे थे। ब्रिटेन की महारानी ने बजट पेश करने के लिए लेदर का यह सूटकेस खुद ग्लैडस्टन को दिया था। उसी के बाद से बजट चमड़े के बैग में पेश किया जाने लगा। जब भारत आजाद हुआ तब भी ये परंपरा कायम रही, लेकिन अब मोदी सरकार में बजट बही खाता के रूप में बदल दिया गया है। बजट में कई सारी मुख्य बातें हैं, जिसमें की खास है सीतारमण ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए मुख्य तौर पर तीन बिंदुओं का जिक्र किया। साथ ही बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, रोजगार निर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और लोगों की आशा आकांक्षाएं और विश्वास जरूरी है। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, अगली खबर में बताएंगे कि बजट में क्या रही खास बातें। नमस्कार।